आज अपन मलाई कोफ्ता बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले 200 ग्राम पनीर लेके उबालना है, उसके साथ ही दो तीन आलू भी उबाल के रख देने हैं। इन आलू पनीर को कद्दूकस से अच्छे से कसना है आपको, और फिर आलू और पनीर को अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च डालना है। फिर इनको अच्छे से वापस मिक्स करना है पूरे को। फिर मिक्स करने के बाद में इसमें कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर डालना है, और फिर आपको इसको पूरे अच्छे से एकदम पेस्ट बनाए जितना इसको मिक्स करके करना है। फिर इसके बाद में इसके गोल गोल बॉले बनानी है इस टाइप से, और इनको फिर आपको कढ़ाई के अंदर धीमी आंच में एकदम ब्राउन होने तक आपको इनको अच्छे से पकाना है एकदम इस टाइप से। इससे भी थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो तब तक आपको इनको अच्छे से सेकना, इस टाइप से आपको ब्राउन होने तक पूरे सारे को बॉले बनाते हुए सब कुछ सेकना है। फिर दो टमाटर और हरी मिर्च को लेके इसका मिक्सी में पेस्ट बनाना है, और थोड़े से काजू का लेके इसका भी मिक्सी में पेस्ट बना देना है। फिर एक कढ़ाई के अंदर तेल लेके, फिर थोड़ा सा इसके अंदर तेल के अंदर जीरा डालना है, फिर दो तीन प्याज जो बारीक काटे थे इनको आपको इसके अंदर अच्छे से भूनना है। फिर इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर इसके अंदर आपको डालना है, और इस मसाले को आपको अच्छे से पकाना है। जब ये मसाला तेल छोड़ दे तब इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट अंदर डालना है। फिर इसके अंदर काजू का भी पेस्ट था वो भी इस मसाले में आपको डालना है, और फिर इनको अच्छे से आपको सबको पकाना है। और ये जब तेल छोड़ना छोड़ दें तब आपको फिर इसके अंदर मलाई कोफ्ते के कोफ्ते जो बनाए थे वो सारे इसके अंदर डालने हैं, और इसको पूरे को थोड़ी देर इसके ऊपर पकाना है आपको अच्छे से। इस प्रकार से हमारे ये 5 मिनट के लिए रखना है इसको। फिर इस प्रकार से ये हमारा मलाई कोफ्ते आपके तैयार है खाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट करके मलाई कोफ्ते तैयार। हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना।